आप देख रहे हैं दखल न्यूज। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। बंगाल में हिंसा पर मोदी का वार, पीएम मोदी ने कहा टीएमसी विकास और लोकतंत्र की विरोधी। अमित शाह के रोड शो में हिंसा, शाह बोले हार से घबरा कर हिंसा करवा रही हैं दीदी। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 12वीं और 10वीं का रिजल्ट जारी किया, 12वीं का परीक्षा परिणाम 72.37% और 10वीं का 61.32% रहा। इंदौर में पति की हैवानियत से दिल दहला, तो छतरपुर में खुद की गोली ने ली युवक की जान। और कांग्रेसी दिग्गज अर्जुन सिंह की पत्नी सरोज सिंह का निधन, चुरहट में अंतिम संस्कार। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ममता दीदी ने 2 दिन पहले सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी कि वे बदला लेंगी। उन्होंने 24 घंटे के भीतर अपना एजेंडा पूरा किया और बीजेपी के रोड शो पर हमला करवा दिया। मोदी ने हसनबाद की रैली में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया। पीएम मोदी ने टीएमसी को विकास और लोकतंत्र विरोध बताया और कहा कि बंगाल की जनता बीजेपी के साथ है, वो उसे ही वोट करेगी। चुनावी रैली में प्रधानमंत्री मोदी का आक्रामक रुख देखने को मिला। मोदी ममता बनर्जी के मीम मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दीदी जिन बेटियों को आप जेल में डालने का काम कर रही हैं, वही बेटियां आपको सबक देने वाली हैं। एक तस्वीर के लिए इतना गुस्सा, दीदी आप खुद आर्टिस्ट हो, आपसे आग्रह करूंगा आप मेरा भद्दे से भद्दा चित्र बनाइए और 23 मई के बाद मेरी पीएम शपथ के बाद मेरी जो तस्वीर आपने बनाई है वो मुझे भेंट करें, मैं आप पर FIR नहीं कराऊंगा। बता दें कि बीजेपी युवा मोर्चा की नेता प्रियंका शर्मा को ममता के मीम मामले में एक तृणमूल कांग्रेस नेता की शिकायत पर 10 मई को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि प्रियंका को इस मामले में कोर्ट से जमानत मिल गई है। टीएमसी के गुंडों ने हत्या की है और जो घायल है मैं उनके जल्द ही स्वस्थ होने की कामना करता हूं। साथ में मैं आपको ये भी विश्वास दिलाता हूं कि लोकतंत्र के लिए आपका ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। भाइयों और बहनों, पश्चिम बंगाल में गणतंत्र को फिर से स्थापित करने के लिए आपका हौसला, आपकी इच्छा शक्ति पूरा देश बड़े आदर के साथ देख रहा है। दीदी के गुंडे, गोलियां और बम लेकर के विनाश करने पर उतर गए हैं, लेकिन लोकतंत्र के प्रति आपकी श्रद्धा को लेकर के बंगाल के मेरे भाई बहन डट करके खड़े हैं। आपका यही हौसला, आपका यही जोश ममता दीदी की इस अत्याचारी सत्ता को एक न एक दिन जड़ से उखाड़ देगा। मोदी ने सीएम ममता बनर्जी पर हमला करते हुए कहा कि सभी सर्वे बीजेपी को पूर्ण बहुमत दे रहे हैं, लेकिन दीदी आपकी हताशा और बंगाल के लोगों के समर्थन को देखने के बाद मैं कह रहा हूं कि बंगाल हमें 300 से अधिक सीटें जिताने में मदद करेगा। यही वजह है
कि आपने अमित शाह के रोड शो पर हमला करवाया। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। कोलकाता में मंगलवार को अपने रोड शो के दौरान हुई हिंसा के बाद अमित शाह ने ममता बनर्जी पर सीधा निशाना साधा है। शाह ने कहा कि राज्य में ममता दीदी चुनावी रुझानों से डरी हुई हैं और अपनी हार से घबरा कर वो हिंसा करवा रही हैं। शाह ने बुधवार को भाजपा मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया से कहा कि वहां हिंसा की खबरें सुबह से आ रही थी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। अब तक चुनाव के 6 चरण समाप्त हो चुके हैं। इन 6 के 6 चरणों में सिवाय बंगाल के कहीं भी हिंसा नहीं हुई। मैं ममता जी को बताना चाहता हूं कि आप सिर्फ 42 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं और भाजपा देश के सभी राज्यों में चुनाव लड़ रही है, मगर कहीं पर भी हिंसा नहीं हुई। लेकिन बंगाल में हर चरण में हिंसा हुई। इसका साफ मतलब है कि हिंसा TMC करा रही है। तो अंदर जाकर किसने तोड़ा? अंदर से तो TMC के लोग पथराव कर रहे थे, TMC के लोग कैरोसिन बॉम्ब फेंक रहे थे, TMC के लोग लाठी और सलिया लेकर बाहर आ रहे थे। गेट अगर टूटा नहीं है, गेट बंद है, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की प्रतिमा जो कॉलेज के अंदर है, इसको कुछ तो तोड़ा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अंदर थे ही नहीं, सारे के सारे बाहर थे, बीच में पुलिस थी, किसने तोड़ा? ये झूठे प्रकार की सिंपथी कलेक्ट करने के लिए ममता बनर्जी के कार्यकर्ताओं ने ही ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रतिमा को तोड़कर एक नाटक और एक षड्यंत्र रचने का काम किया है। 3 बार हमले किए गए और तीसरे हमले में तोड़फोड़, आगजनी और बोतल में केरोसिन डालकर हमला किया गया। सुबह से पूरे कोलकाता में चर्चा थी कि यूनिवर्सिटी के अंदर से आकर कुछ लोग दंगा करेंगे। पुलिस ने कोई जांच नहीं की और ना ही किसी को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। ईश्वर चंद विद्यासागर की प्रतिमा को पहुंचाई गई क्षति पर शाह ने दावा किया है कि जहां ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रतिमा रखी गई है वो जगह कमरों के अंदर है। कॉलेज बंद हो चुका था, सब लॉक हो चुका था, फिर किसने कमरे खोले? ताला भी नहीं टूटा है, फिर चाबी किसके पास थी? कॉलेज में TMC का कब्जा है। वोट बैंक की राजनीति के लिए महान शिक्षा शास्त्री की प्रतिमा को तोड़ने का मतलब है कि TMC की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 12वीं और 10वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है। परीक्षा परिणाम की घोषणा मुख्य सचिव SR मोहंती ने की है। 12वीं में दृष्टि सनोडिया ने टॉप किया है। ये सिवनी की उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्रा हैं। उन्हें 500 में से 479 अंक मिले हैं। 10वीं के टॉपर गगन दीक्षित को 500 में से 499 अंक मिले हैं। ये सागर के हैं। 12वीं का परीक्षा परिणाम 72.37% रहा और 10वीं का परिणाम 61.32% रहा है। मुख्य सचिव सुधीर रंजन मोहंती ने माध्यमिक शिक्षा मंडल का परीक्षा परिणाम मॉडल स्कूल TT नगर ऑडिटोरियम में जारी किया। मुख्य सचिव मोहंती ने कहा कि इस साल 12वीं के रिजल्ट में 5% का इजाफा हुआ है, जो काफी अच्छा है। लड़कियों ने मेरिट लिस्ट में जगह बनाई है। सरकारी स्कूलों के बच्चों का निजी स्कूलों से बेहतर प्रदर्शन रहा है। इस साल 10वीं का रिजल्ट पिछली बार के मुकाबले कम रहा है। प्रमुख सचिव शिक्षा इसकी समीक्षा करेंगे और ये जांचेंगे कि किस जिले और किस विषय में नतीजे अच्छे नहीं रहे हैं। इसको हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं और कल ही हमारे सभी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स के साथ हम लोग कर रहे हैं, देखने के लिए कि कौन से एरिया में और कौन से स्कूल्स में रिजल्ट में क्या ये हो रहा है। हम पिछले 3-4 साल का ट्रेंड हम लोगों ने इकट्ठा किया है, वी आर गोइंग टू एग्जामिन दैट। इस बार हम लोगों ने NCERT भी इंट्रोड्यूस किया था, तो वो एक नया करिकुलम है, तो उसकी वजह से कोई बता NCERT इस साल इंट्रोड्यूस किया है। 12th में तो करीब 5% रिजल्ट बेहतर हुआ है। मध्य प्रदेश बोर्ड ने अपनी
आधिकारिक वेबसाइट पर भी ये परिणाम जारी किया। 10वीं की परीक्षा 27 मार्च को खत्म हो गई थी, जबकि 12वीं के छात्र 2 अप्रैल को आखिरी पेपर के बाद से परिणाम का इंतजार कर रहे थे। आचार संहिता की वजह से इस बार कोई बड़ा आयोजन नहीं किया गया। इस दौरान यहां भोपाल के मॉडल स्कूल के छात्र छात्राएं और उनके अभिभावक मौजूद रहे। 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम एक साथ जारी करने के लिए विशेष इंतजाम किए गए थे। इन परिणामों के घोषित होने के बाद छात्र अपनी आगे की पढ़ाई पर फैसला लेंगे। कला संकाय में सिवनी की दृष्टि सनोडिया 479 अंक प्राप्त कर टॉप किया। विज्ञान गणित संकाय में अशोक नगर की आर्या जैन 486 अंक प्राप्त कर टॉप कर रही। वाणिज्य संकाय में भोपाल के विवेक गुप्ता 486 अंक प्राप्त कर टॉप पर रहे। कृषि समूह में दमोह की प्रिया चौरसिया 481 अंक प्राप्त कर टॉप पर रही। ललित कला एवं गृह विज्ञान संकाय में लाहार भिंड की प्रतीक्षा शर्मा 476 अंक प्राप्त कर टॉप कर रही। जीव विज्ञान समूह में ग्वालियर के सृजन श्रीवास्तव ने 481 अंक प्राप्त कर टॉप पर बने रहे। और मेरिट लिस्ट में नाम अभी देखा नहीं कौन सा लिस्ट कौन सा आया, लेकिन 484% 97% है। मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल से मैम ने जो नोट्स दिए और जो हमने पढ़े और बुक में से तैयारी करी और टाइम टू टाइम जो बताते गए वो बस उनको फॉलो करते रहे तो आ गए। मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ निराश मत होइए, आगे चल के आप मेहनत करिए, ज़रूर सफल होंगे इस चीज़ में आप। बालाघाट जिले में कक्षा 10वीं की प्रदेश की प्रवीण सूची में 4 बच्चों ने अपना स्थान बनाया है। त्रिवेणी रंगडाले उत्कृष्ट विद्यालय परसवाड़ा व मोनिका पसीने वैदिक स्कूल लालबर्रा ने पाया 9वां स्थान। वहीं आंचल सोनबिरसे कन्या स्कूल राम पायली व रूपाली पारधी MCS स्कूल बालाघाट ने 10वां स्थान पाया है। इस वर्ष 18.5 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों ने ये परीक्षा दी है। नतीजों के तुरंत बाद मध्य प्रदेश स्टेट ओपन स्कूल कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए रुक जाना नहीं परीक्षा का आयोजन करेगा। जो बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए थे लेकिन इसे क्लियर नहीं कर सके उसी के परिणाम जुलाई 2019 में ओपन स्कूल द्वारा घोषित किए जाएंगे। इस तरह से छात्र एक साल भी नहीं चुकेंगे। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अर्जुन सिंह की पत्नी सरोज सिंह का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वो लंबे वक्त से बीमार चल रही थीं और दिल्ली में ही उनका इलाज चल रहा था। उन्हें सोते समय हार्ट अटैक आया जिस कारण उनका निधन हुआ। उनका अंतिम संस्कार उनके गृहनगर चुरहट में किया जाएगा। मां की मौत की जानकारी मिलते ही अजय सिंह दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। सरोज सिंह का कुछ महीने से अपने बेटे अजय सिंह के साथ संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था। अर्जुन सिंह न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि देश के दिग्गज कांग्रेस नेताओं में शुमार रहे हैं। वो 3 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने के साथ ही राजीव गांधी की सरकार में केंद्रीय मंत्री रहने के साथ ही पंजाब के राज्यपाल भी रह चुके थे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह और सरोज सिंह के 2 बेटे और 1 बेटी हैं। एक अजय सिंह मध्य प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष रहे हैं तो वहीं उनके बड़े बेटे बिजनेसमैन हैं। वहीं उनकी बेटी वीना सिंह सीधी सीट से लोकसभा चुनाव लड़ चुकी हैं। इस सीट से अजय सिंह इस बार लोकसभा चुनाव लड़े हैं। पिछले साल मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान सरोज सिंह का अपने बेटे अजय सिंह से संपत्ति विवाद सुर्खियों में आया था, जब उन्होंने अपने 2 बेटों अजय सिंह और अभिमन्यु के खिलाफ घरेलू हिंसा और संपत्ति से बेदखली का आरोप लगाया था। वो इस मामले में कोर्ट चली गई थी और विपक्ष ने भी इसे मुद्दा बनाया था। दोनों के बीच संपत्ति विवाद की मुख्य वजह भोपाल का केरवा कोठी था। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। वक्त ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। न्याय मतलब कांग्रेस की न्यूनतम आय योजना। 5 करोड़ परिवारों को मिलेंगे 72,000 रुपए सालाना। 25 करोड़ लोग होंगे लाभान्वित। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस।
देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भोपाल के स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था देखने के लिए भाजपा प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर अरेरा हिल्स स्थित पुरानी जेल पहुंची। यहां उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। स्ट्रांग रूम तक गई और बाहर आकर मीडिया से कहा कि वे ईवीएम की सुरक्षा व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है। हालांकि उनकी आवाज नहीं निकल पा रही थी, इसीलिए उनकी तरफ से भाजपा नेता उमाशंकर गुप्ता ने यह बयान दिया है। भोपाल से बीजेपी प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा स्ट्रांग रूम की व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह का मानना है कि चुनाव मैनेजमेंट से जीते जाते हैं, इसीलिए कुछ भी हो सकता है। हमारा भविष्य भी ईवीएम में कैद है और वो यहाँ रखा हुआ, इसीलिए हम निरीक्षण करने पहुंचे। यहाँ देखने के बाद लगा कि सुरक्षा और मजबूत होनी चाहिए। इसकी शिकायत वे जिला निर्वाचन अधिकारी और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से लिखित में कर रही हैं। साध्वी प्रज्ञा की तरफ से बीजेपी नेता उमाशंकर गुप्ता बयान दे रहे थे। और जब सरकार, ये कांग्रेस की सरकार और उम्मीदवार श्रीमान दिग्गी राजा हैं, जो हमेशा ही कहते रहे कि चुनाव मैनेजमेंट से जीते जाते हैं और उनकी किसी भी प्रकार की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, इसलिए सहज ही साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी और हम लोग यहाँ स्ट्रांग रूम आए हैं, सारी व्यवस्था को देखा है। हमारे कार्यकर्ता भी निरंतर यहाँ 24 घंटे लगातार यहाँ पर सहयोग के लिए हैं। उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ के जवान बाहर क्यों पहरा नहीं दे रहे हैं, यहाँ भी सीआरपीएफ सहित अन्य सुरक्षा एजेंसी के लोग तैनात किए जाने चाहिए। वहीं अंदर दो कैमरे और लगाकर छत की तरफ का मूवमेंट भी प्रत्याशियों के प्रतिनिधि को दिखाना चाहिए। भाजपा कार्यकर्ताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि अपने लोगों को पहचानो, रात भर पहरा देने वाले हर व्यक्ति का रिकॉर्ड उन्हें चाहिए। उन्होंने खुद रात में रुकने वाले लोगों की पहचान की। उन्होंने कहा मशीन पर संदेह नहीं, लेकिन कांग्रेस की सरकार होने के कारण निगरानी करनी पड़ रही है। ईवीएम की सुरक्षा पर विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस को संदेह था, अब भाजपा ने ऐसा ही संदेह व्यक्त किया है। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारी मतों से विजय होंगे और भाजपा की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे पत्रकारों से रूबरू हुए, जहां उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस लाख कोशिश कर ले, इसके बावजूद एक बार फिर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री होंगे और केंद्र में भाजपा की सरकार बनेगी। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि भोपाल लोकसभा सीट से साध्वी प्रज्ञा को भारी मतों से विजयी प्राप्त करेंगी। खबर देश के प्रधानमंत्री की नहीं है, देश की सरकार ने एक भी भ्रष्टाचार के कोई काम नहीं किए हैं। और मैं मीडिया जगत के बात कहना चाहता हूं कि मुझे ध्यान है, जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तब एक भी अखबार में एक भी दिन ऐसा नहीं होता था जब एक एक कॉलम और तीन तीन चार चार कॉलमों की जो खबरें हैं फ्रंट पेज पर देश की कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार के चीज़ें उजागर ना होती रही हैं। ये देश के लिए बहुत उपलब्धि है और आज पूरा देश ये मान चुका है कि यदि देश सुरक्षित है और देश को कोई बचा सकता है और देश को आगे चला सकता है तो एक सशक्त नेतृत्व जो विश्व के परिदृश्य में एक बड़े नेता के रूप में उभरे हैं, उनका नाम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। शंकर ललवानी जी हमारे यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, बहुत ही अच्छे, सहज, सरल और एक संगठन के कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है। अभिलाष पांडे ने भोपाल लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह पर जमकर निशाना साधा और कहा कि उनकी हार तय हो गई है, जिसकी उन्हें अब चिंता सताने लगी है। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में नक्सलियों ने 4 वाहनों को जला दिया, साथ ही वाहन कर्मचारियों के मोबाइल भी लूट कर ले गए। ये नक्सली ग्रामीणों के भेष में मौकाए वारदात पर पहुंचे थे।
किरंदुल थाना क्षेत्र के कड़मपाल के एक्सआर कंपनी के डंपिंग यार्ड में लौह अयस्क ढुलाई में कई वाहन लगे थे। दोपहर में ग्रामीण वेशभूषा में करीब 50 नक्सली वहां पहुंचे और चालक परिचालकों को वाहन से नीचे उतारकर डीजल टैंक तोड़कर वाहनों में आग लगा दी। इस वारदात में एक पोकलेन और 3 टिप्पर जलकर खाक हो गए। किरंदुल इलाके में ही सड़क निर्माण का काम भी चल रहा था, वहां भी ये नक्सली पहुंचे और आगजनी कर दी। दिन दहाड़े नक्सलियों ने कंस्ट्रक्शन कार्य में लगी गाड़ियों में आग लगा दी है। बताया जा रहा है कि पहले नक्सलियों ने ड्राइवर और कंडक्टर को बंधक बनाया और फिर इस घटना को अंजाम दिया। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। न्याय मतलब कांग्रेस की न्यूनतम आय योजना। 5 करोड़ परिवारों को मिलेंगे 72,000 रुपए सालाना। 25 करोड़ लोग होंगे लाभान्वित। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक हैवान पति ने अपनी पत्नी को परेशान करने के लिए उसके गुप्तांक में बाइक का हैंडल डाल दिया। हैवानियत का शिकार हुई महिला एक साल तक शर्म के कारण ये दर्द सहती रही। अब 18 डॉक्टर्स की टीम ने ऑपरेशन कर उस हैंडल को महिला के शरीर से निकाला। ये मामला इंदौर का है। पुलिस ने हैवान पति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इंदौर के स्कीम नगर 71 निवासी पीड़िता ने बीते शनिवार को चंदनगर थाने में पति द्वारा प्रताड़ित करने की शिकायत की। इस पर पुलिस महिला को जांच के लिए MY अस्पताल ले गई और भर्ती कराया। यहां उसका सीटी स्कैन व अन्य जांचें कराई गईं तो डॉक्टर चौंक गए, क्योंकि उन्हें महिला के पेट की निचले हिस्से में एक बाइक के हैंडल नुमा चीज नजर आई। डॉक्टरों को महिला ने बताया था कि एक साल पहले पति ने शराब के नशे में यह हरकत की थी। MY अस्पताल के सर्जरी विभाग के प्रमुख डॉक्टर RK माथुर ने बताया कि बाइक के हैंडल का हिस्सा गुप्तांग से होते हुए पेशाब की थैली व छोटी आंत तक फंसा हुआ था। इसे छोटी आंत से बाहर निकाला गया। महिला के शरीर में इतने अधिक समय तक रहने से बच्चेदानी में इन्फेक्शन फैल गया है। 18 डॉक्टरों ने 4 घंटे चले ऑपरेशन में उसके गुप्तांग में फंसा 15 सेंटीमीटर लंबा और 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा हैंडल का टुकड़ा निकाला है। डॉक्टरों के अनुसार यह बाइक के हैंडल का एक भाग था। ऑपरेशन के दौरान पेशाब की थैली और क्षतिग्रस्त हुई छोटी आंत को भी ठीक किया गया है। हैवानियत की इस दास्तान से पुलिस भी हैरत में है। पुलिस ने हैवान पति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। परसों दिनांक 11 तारीख को यही थाना चंद्रनगर क्षेत्र में झोपड़पट्टी में रहने वाली सोनू नाम की महिला के द्वारा थाने पे आकर उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि करीबन 8 माह पहले इसके पति के द्वारा, जो कि काफ़ी शराब पीता है, उसके द्वारा इसके प्राइवेट पार्ट में कोई लोहे की वस्तु अंदर डाल दी गई थी। तत्कालीन महिला की रिपोर्ट पर दर्ज किया गया है और तत्काल उसको मेडिकल के लिए भेज दिया गया, जहां ये MY में भर्ती है इलाजरत। चंदनगर पुलिस ने जांच शुरू करने के बाद पीड़ित महिला के पति प्रकाश को पकड़ लिया है। बताया जा रहा है कि महिला के पति का किसी दूसरी महिला के साथ संबंध था। इन्हीं बातों को लेकर दोनों में विवाद होता था, लेकिन लगभग 1 साल पहले विवाद के दौरान हैवान पति ने महिला के प्राइवेट पार्ट में बड़ी ही बेरहमी से बाइक का हैंडल डाल दिया। महिला ने शर्म के कारण किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन जब उसकी पीड़ा बढ़ी तो उसने पुलिस से हैवान पति प्रकाश की शिकायत की।
देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। रीवा में सिंधी समाज ने एक युवक की हत्या के बाद सड़क पर धरना दिया और पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। युवक 7 मई से लापता था और इसका शव सैनिक स्कूल के पीछे छत विछत हालत में मिला। इस युवक की नृशंस हत्या की गई है। विंध्य इलाके की पुलिस अपने लचर रवैये के कारण ज्यादा चर्चा में रहती है। रीवा में 7 मई से लापता युवक बंटी बाधवानी का शव कल सैनिक स्कूल के पीछे छत विछत हालत में मिला। युवक की हत्या बड़ी ही निर्ममता से की गई। पुलिस के सुस्त रवैये को देखते हुए सिंधी समाज ने जांच को लेकर अस्पताल गेट के सामने धरना दिया, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। मांग करना चाहते हैं शासन से, इस बालक की जो हत्या हुई है, यहाँ आकर आत्महत्या किया है, उसको उच्च स्तरीय जाँच होकर वरिष्ठ अधिकारी जांच कराई जाए और पीड़ित परिवार को न्याय मिले। और दूसरी चीज़, जो जांच 5 दिन चल रही वो भी धीमी चल रही है और हम लोग बैठे हैं बिना जाम खुले, बिना जाम लगाए हम लोग बैठे हैं। पुलिस प्रशासन इतना निष्कर्ष है, कोई अधिकारी यहाँ नहीं पहुँचा है। अभी आधे घंटे से बिना जाम लगाए बैठे हैं, आधा घंटा हो गया है, अभी तक कोई वरिष्ठ अधिकारी लेने नहीं, बात करने नहीं आया है। मामला हम लोग को हत्या लग रहा है, हत्या हुई बालक की, उच्च स्तरीय जाँच हो, उसमें हत्या हो आत्महत्या हो उसमें जांच तो हो। डीएम में हिलाहवाली हो रही थी कल से बच्चों की, डीएम नहीं हो रहा था सही तरह, कभी बोल रहे थे भोपाल ले जाओ पीएम को, कभी बोलते यहीं होगा, बड़ा मतलब इसमें दबा दबा का मामला चल रहा है। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। वक्त ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। न्याय मतलब कांग्रेस की न्यूनतम आय योजना। 5 करोड़ परिवारों को मिलेंगे 72,000 रुपए सालाना। 25 करोड़ लोग होंगे लाभान्वित। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कि युवक अपनी प्रेमिका के सपने पूरे नहीं कर पाया, इसीलिए उसने बियर में जहर मिलाकर पी लिया। ऑनलाइन कंपनी में काम करने वाले इस युवक ने सुसाइड नोट में यह सब लिखा है। ये घटना इंदौर की है। इंद्रजीत एक बड़ी ऑनलाइन कंपनी में नौकरी करता था। उसका शहर की बड़ी कंपनी में नौकरी करने वाली युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। युवती के सपने बहुत बड़े थे और इंद्रजीत उन्हें पूरा नहीं कर पा रहा था। इसी परेशानी के चलते इंद्रजीत सुबह अपने दोस्त के रूम पर गया और बियर के गिलास में जहर मिलाकर पी लिया। प्रेम प्रसंग के कारण हमने सुसाइड किया, सुसाइड नोट में इतना बस, इसके अलावा कुछ नहीं। क्या कारण था, किस कारण जहर खाया, कोई मेंशन नहीं, बस सुसाइड नोट में लिखा है उनने कि मैं लड़की की इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रहा हूँ, जीते जी पूरी नहीं कर सकता, इसलिए स्वयं मर रहा हूँ। इंद्रजीत सिंह, पिता स्वर्गीय लाल सिंह, प्राइवेट जॉब करते थे 308 सर्व संपन्न नगर में, अचेत अवस्था में पड़े हुए थे। कोई पॉइजन जैसा खाया हुआ, हाँ वो क्या अभी इसमें पढ़ा नहीं मैंने, तब लिखा नहीं, देख ले। इंदौर के कनाडिया थाना पुलिस जानकारी मिलते ही स्पॉट पर पहुंची। जांच के दौरान पुलिस को सुसाइड नोट मिला है जिसमें इंद्रजीत ने अपनी प्रेमिका के बारे में लिखा है कि मैं तेरे सपने पूरे नहीं कर पाया, जीते भी भरपाई नहीं कर पाऊंगा और होशो हवास में जान दे रहा हूं, जिसके साथ मेरे 10 साल के संबंध हैं उसके सपने पूरे नहीं कर पाया, मैं मेरी माँ का भी साथ नहीं दे पाया, माँ मुझे हो सके
तो माफ कर देना, माँ मरता आदमी झूठ नहीं बोलता, मैंने कभी आपको धोखा नहीं दिया, मैं तुझे हमेशा खुश देखना चाहता था। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। संत हिरदाराम नगर के साधु बासवानी स्कूल में गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों के लिए बाल अभिव्यक्ति शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें बच्चे विभिन्न विधाओं में पारंगत हो रहे हैं। साधु बासवानी स्कूल में चल रहे बाल अभिव्यक्ति शिविर में लगभग 700 बच्चे भाग ले रहे हैं। यहाँ चित्रकला, मेहंदी, खेलकूद, संगीत, नृत्य, कुकिंग, अंग्रेजी, स्पोकन आदि बच्चे सीख रहे हैं। शिक्षाविद विष्णु ज्ञानी ने कहा कि इस शिविर में बच्चों को जो कुछ सिखाया जा रहा है वह काबिले तारीफ है। यह सब बच्चों के भविष्य में काम आएगा और कुछ भी आजीविका का साधन भी बनेगा। इसके जरिए बच्चों में छिपी हुई प्रतिमाएं भी बाहर आ रही हैं। संतों के आशीर्वाद, सिद्ध भाव जी की प्रेरणा से साधु बासवानी स्कूल में समर कैंप लगाई गई है, जो कैंप मई महीने में एक पहली तारीख से 31 तारीख एक महीने के लिए लगाई जाती है। ये कैंप 15 साल से लग रही है, जिसमें करीब करीब 500 से भी ज़्यादा बच्चों की भागीदारी जुड़ती है। इसके साथ ही सुबह हम बच्चों का फिजिकली विकास हो, शारीरिक विकास हो, इसलिए हम अलग अलग उनको गेम्स सिखाते हैं, जिसमें करीब 200 बच्चों से ज़्यादा आता है। करीब करीब 700-800 बच्चे इस कैंप के सहयोग से जुड़ते हैं। उसके पीछे उद्देश्य यही है कि इन बच्चों में जो प्रतिभा है, जो इनमें गुण है, उनका वो निखार हो। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज। दखल आपके हक में, कहीं जाइएगा मत। अब आपको बैरन समाचार सुनाएंगे जर्जर भोपाली। नमस्कार, बैरन समाचार में आपको वेलकम कर रहा हूँ। मैं हूँ जर्जर भोपाली। वो कल्याण भाई, भोपाल में चुनाव हो गया है। 65.65% वोटिंग हुई है। और मैं बता दूं, पीएच फंसता नजर आ रहा है। दिग्विजय सिंह ने स्कूटर पे घूम रहे थे दोपहर में, अगर हेलमेट लगाए। अब मैं कह रहा हूँ हेलमेट तो लगा ले, इतनी धूप पड़ रही है, बताओ ये चटक जाए खोपड़िया। ओए, इस बार तो इलेक्शन गजब का हो रहा है। ओ भैया, ये तो वोट डालने नहीं गए राजगढ़ में, अरे दूसरों को पाठ पढ़ाती हैं लोकतंत्र का। भैया वोट डालने तो जाओ, मोदी जी को मौका मिल गया है मजे लेने का, बता रही हूँ। मजे ले रहे हैं इनकी लपक के। वही इस बार इलेक्शन में पीटासीन अधिकारी तो ये थे, ग्लैमरस वाले आए हैं, उनकी फोटोएं छप रही हैं गोगल लगा लगा के। और मैं कह रहा हूँ, ऐसे पीटासीन अधिकारी आने लगे तो हर आदमी कहेगा इलेक्शन में ड्यूटी लगाओ, और हर आदमी वोट डालने भी जाएगा, बता रहा हूँ। ये इनको इलेक्शन कमीशन को बहुत अच्छा सुझाव दे रहा हूँ मैं, ऐसे पीटासीन अधिकारी बनवाओ ताकि इलेक्शन में वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाए। और ये देख लो, ये खबर देख लो, और मायावती और मोदी जी और इनका ये खूब चल रहा है धमाका, एक दूसरे से अटैक चल रहा है। और ममता बनर्जी भी, इनका भी खूब चल रहा है आपस में। और मैं बता रहा हूँ, अभी ये एक दूसरे पे आक्षेप लगा रहे हैं इलेक्शन के बाद, कोई पता नहीं ये मायावती इनको सपोर्ट देने आ जाए, मोदी कोई प्रेम बढ़ जाए भाई इलेक्शन के बाद, कोई कुछ नहीं कह सकते। और ये देखो, ये सेम पित्रोदा, ये क्या करें, 1984 में जो दंगे हुए थे, हुआ तो हुआ, बताओ ये थी घटना हुई थी, ऐसी दुर्घटनाएं हुई थी उस समय, लोग मारे गए, तो इनको मजाक सूझ रहा है, ऐसे लोगों को रखती है क्यों, मैं बता रहा हूँ। और ये राहुल गांधी कह रहे हैं कि माफ़ी मांग लो उनकी, ये कर लो वो कर लो, अरे ये ऐसी बयान कैसे दे जाते हैं ये लोग, बताओ ये कितनी शर्म की बात है। और प्रियंका गांधी भैया महाकाल के दर्शन करने पहुँची, पहली बार इनको महाकाल की याद आ रही चुनाव के टाइम। और फिर वहाँ से निकलते ही वही फिर शुरू, और राफेल पर मोदी को लेकर शुरू हो गई, ये बादल छटे थे तो मोदी जी सोच रहे थे कुछ दिखा नहीं, और फिर राडार पे आ गए मोदी, बताओ ऐसी ऐसी बातें करती है, अरे पूजा पाठ करके आओ, कुछ अच्छी बातें करो, ये तो चल रहा है। और ये सिद्धू देख लो, सिद्धू इनका अभी दिमाग भनभना रही है, बता रहा, ये गर्मी है ना चढ़ रही है इनके दिमाग में, जब से कपिल शर्मा का शो से हटाया गया इनको, इनका दिमाग चटक गया है, कुछ भी बोले जा रहे हैं, देशद्रोही मोदी और ये और वो। अभी ये कार्यकर्ता को रैप्टा चढ़ दिया इनने, बताओ अभी इनको मैं बता रहा हूँ घर में बिठाओ, इनका दिमाग चटका हुआ है, बता रही हूँ। हाँ, और ये देखो कमल हसन, ये भी कुछ भी बोले जा रहे हैं, बोले आतंकवाद पहला हिंदू आतंकवादी था वो गॉड से वर्ड, ये क्या भाषा है बता रही हूँ मैं, कुछ सोचो दिमाग करो। तो मैं स्क्रिप्ट लिख के दे दी इनको और वही पढ़ना शुरू कर देते हैं, ये फिल्म वाले हैं, इनको समझ में आती नहीं है इसका असर क्या होगा। अब मैं कह रहा हूँ पॉलिटिक्स करना है तो ढंग से करो, कुछ विकास की बातें करो, कुछ जनता के भले की बातें करो, ये फालतू बातों में कुछ रखा नहीं है, गड़े मुर्दे उखाड़ने में कुछ नहीं मिलेगा, बता रही हूँ। और एक देखो, ये रायपुर में जंगलों में पानी की कितनी समस्या हो रही है जंगली जानवरों को, मैं कह रहा हूँ पेड़ लगाओ, जंगल बढ़ाओ, और उनको पानी नहीं मिल रहा,
और 84 किलोमीटर अंदर तक पानी पहुंचाना पड़ रहा है शहर वालों को, बता ये हालत हो गई है। तो भैया ये गर्मी बहुत पड़ रही है, मेरे को भी बहुत प्यास लग रही है, मैं भी पानी पीने जा रहा हूँ। नमस्कार। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।